ये देखिए हमारा मटर पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग है, आप देख पा रहे होंगे, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, एक एक दाना अलग है, कहीं स्टिक नहीं हो रहा है। तो आप भी इसको एक बार बना के जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ मटर पुलाव। और ये मटर पुलाव हम बहुत ही कम चीजों से और बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, पर इसमें बीच बीच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हैं जिससे आपका मटर पुलाव बहुत ही खिला खिला और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव के लिए ये मैंने 150 से 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये मैंने एक ग्लास बासमती चावल लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धो के 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था, और अब मैंने इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है। ये एक कटोरी फ्रेश मटर है जिन्हें मैंने धो के रखा हुआ है। ये थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश, ये एक चम्मच जीरा है, एक चम्मच नींबू का रस है, दो चुटकी हमने हींग ली है, और ये हमारी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, धनिया, और यहाँ पे लिए हैं मैंने सारे खड़े मसाले। ये मैंने सूखी मिर्च ली हैं दो, और दो मैंने हरी मिर्च ली हैं जिन्हें बीच में से मैंने ऐसे स्लिट कर दिया है। ये दो छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची, कुछ दाने काली मिर्च के, कुछ लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और ये दो तेज पत्ते। उधर मैंने एक तड़का पैन में घी गरम करा है, और इसमें हम अपना पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को घी में ही फ्राई करेंगे, हम कोई भी चीज़ पुलाव की रिफाइंड में नहीं करेंगे फ्राई। पनीर के थोड़े थोड़े क्यूब्स डाल के हम पनीर को हल्का सा ब्राउन कलर देंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे, बहुत हल्का सा ब्राउन कलर पनीर पे लाएंगे हम। ये देखिए हम छोटे तड़का पैन में इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि कई बार पनीर फ्राई करते में नीचे लग जाता है, और अगर जिस भगोने में या जिस पैन में हम पुलाव बनाएंगे उसमें हम पनीर फ्राई करेंगे तो वो नीचे लग जाता है, तो फिर पुलाव के भी नीचे लगने का डर रहेगा। इसलिए हम इसको एक ऐसे छोटे से तड़का पैन में फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम अपना घी तो छान के दोबारा यूज़ कर सकते हैं और हमारा पुलाव का नीचे लगने का डर भी ख़त्म हो जाएगा। बस हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऐसे ही दो मिनट में ही पनीर पे देखिए हल्का हल्का सा कलर आने लगा है, थोड़ा सा कलर और लाना है हमें, बस इतना ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है हमें अपने पनीर को, अगर ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो पनीर हमारा हार्ड हो जाएगा। ये देखिए हमने सारा जो हमारा 150 से 200 ग्राम पनीर था वो सारा हमने घी में फ्राई करके ऐसे निकाल लिया है, और इधर ये वही घी है जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था। ये देखिए घी नीचे लग जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि उस वाले कंटेनर में मत फ्राई करिएगा पनीर जिसमें आप अपना पुलाव बनाएं। अब ये घी अभी भी गर्म है, ये जो हमने थोड़े से काजू के पीसेस लिए हैं इनको भी हल्का ब्राउन होने तक हम घी में भून लेंगे। देखिए काजू भी हमने हल्के से ब्राउन कर लिए हैं, और ये किशमिश भी बस हम इसमें डालेंगे और निकाल लेंगे घी में। किशमिश बस 2 सेकंड के लिए इसमें हम, ये देखिए बस अब गैस ऑफ कर देंगे और इसी गर्म घी में हम इनको होने देंगे और निकाल लेंगे। देखिए बस ऐसे ही हमें किशमिश तो 2 सेकंड के लिए हमें घी में फ्राई करनी है। अब ये वाला घी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। इसी वाले घी को हम छान के और इसी में हम अपना पुलाव छौंकेंगे। ये देखिए वही घी है जिसमें मैंने पनीर और काजू किशमिश फ्राई करे हैं, इसे बस छान के मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इस घी में सबसे पहले जो मैंने एक चम्मच जीरा लिया है, ये देखिए घी हमारा गर्म ही है, ये एक चम्मच जीरा मैं घी में थोड़ी देर 10-1 सेकंड ऐसे ही होने दूंगी, और ये जो हमने 2 चुटकी हींग ली है ये 2 चुटकी हींग भी हम घी में डाल देंगे, और उसके बाद हम ये सारे जो हमारे खड़े मसाले हैं ये इलायची को मैंने थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दिया है जिससे ये जो अपना फ्लेवर है और स्मेल है, ये देखिए ऐसे प्रेस करके हल्का सा खोल लिया है। ऐसे ही मैंने छोटी इलायची को भी ऐसे खोल लिया है कि अपना फ्लेवर छोड़ दे घी में। ये सारे खड़े मसाले और ये जो हमने होल रेड चिलीज ली हैं ये भी मैं घी में डाल रही हूँ, और इनको 10-20 सेकंड तक हम अच्छे से भूनेंगे घी में जिससे ये सारे मसाले अपना फ्लेवर और अपना स्मेल घी में छोड़ दें। देखिए हमारी लौंग चटक रही है और काली मिर्च चटक रही है,
उसके बाद ये जो हमने धो के एक कप मटर ली थी, ये मटर हम इसमें मिला देंगे और मटर को भी हम लगभग एक मिनट तक ऐसे ही घी में मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भुनने देंगे। ये देखिए मटर हमारे घी में अच्छे से सौदे हो गई हैं। अब ये जो हमारे बासमती चावल हैं भीगे हुए जिनका पानी हमने निकाल दिया है, ये बासमती चावल हम इसमें मिला देंगे और इनको भी हम लगभग एक से दो मिनट अपनी मटर और सारे जो हमारे खड़े मसाले हैं उनके साथ भूनेंगे, जिससे सारे फ्लेवर्स हमारे चावल एब्जॉर्ब कर ले और हमारे चावल की जो ऊपर वाली लेयर है वो भी थोड़ा फ्राई हो जाए। तो एकदम हमें चावल डालते ही ना कोई मसाला डालना है और ना पानी डालना है, पहले हम एक दो मिनट ऐसे ही मटर और खड़े मसाले के साथ घी में अपना चावल फ्राई करेंगे। हमारे चावल एक दो मिनट भुन गए हैं घी में, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। ये मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, हमने हरी मिर्च भी डाली है, सूखी लाल मिर्च भी डाली है और काली मिर्च भी डाली है, तो हम मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा मिर्च डाला है और नमक भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे कि किस हिसाब से हम नमक खाते हैं। और इन मसालों को फिर से हम एक बार चावल के साथ मिक्स कर लेंगे। चावल हमेशा बहुत हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे, नीचे से उठा के ऐसे करेंगे नहीं तो हमारा चावल टूट जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने फ्राई करके पनीर रखा है, वो पनीर डालेंगे। ये देखिए जो हमने फ्राई करके पनीर रखा है वो पनीर हम इसमें डाल देंगे और इसी पॉइंट पे हम अपने फ्राई करे हुए जो काजू और किशमिश हैं वो भी इसमें मिला देंगे। ये गए हमारे काजू और ये गई हमारी किशमिश। अब इन सब चीजों को भी हम हल्के हाथ से चावल और मटर के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। हम आधी से 1/4 चम्मच के बीच में इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और इनको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10-20 सेकंड के लिए ऐसे ही इन मसालों को रेस्ट करने देंगे हम अपने पॉट में। ये हमने लिया था 1 ग्लास चावल लिया था हमने, तो ये मैंने 2 ग्लास से थोड़ा सा कम 1.25 ग्लास के करीब ये पानी लिया है और ये पानी अब हम इसमें मिला देंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ना स्लो रखेंगे ना हाई, मीडियम फ्लेम रखेंगे। और एक बार पानी डालने के बाद ये मेरे पास है 1 चम्मच नींबू का रस, ये नींबू का रस भी हम अपने राइस में डाल देंगे और राइस को एक बार पानी और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और अब इसको हम ढक के मीडियम फ्लेम पे जब तक हमारा चावल पकेगा तब तक हम लगभग चावल पकने में 8 से 10 मिनट लगेंगे, तो हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें ढक के 8 से 10 मिनट हम अपने चावल को पकाएंगे। ये देखिए 10 मिनट तक हमने अपना पुलाव को छेड़ा नहीं, ये देखिए हमारा पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए एक एक चावल अलग अलग है पर अभी हम इसे सर्व नहीं करेंगे, इसमें हल्का सा मॉइस्चर है अभी चावलों में, हम गैस ऑफ कर देंगे और एक कपड़े से ऐसे ढक कर इसको और ऊपर से जो हमारे पॉट की लिड है उसको लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमारे चावलों में जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा पुलाव और भी खिला खिला बनेगा। ये देखिए 5-7 मिनट से हमने चावलों को ऐसे ही कपड़े से ढक के रखा हुआ है, अब हम अपना लिड उठाएंगे। ये देखिए चावल एकदम जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था, ये देखिए एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो सब खत्म हो गया और हमारा पुलाव ये देखिए कितना अच्छा बना है। आप ऐसे भी कर रहे हैं ये देखिए अपने आप एक एक दाना अलग हो रहा है। आइए अब इसे सर्व करते हैं।
हमारा मटर पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है, और जैसा आप लोगों ने देखा बहुत ही खिला खिला बना है और बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।